नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे कि उनकी टीम की जो ट्रेनिंग कैंप है उसको लेकर बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है, और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने, अगर हम बात करें, मुंबई पहुँच गए हैं ट्रेनिंग कैंप को लेकर के, और उनकी जो ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत है वो जल्द ही होने वाली है। तो अब दोस्तों, ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़े फ़ैन पंजाब किंग्स केएल राहुल के, सपोर्ट करते हैं इस टीम को जितना चाहते हैं आईपीएल 2021 का खिताब, तो भेजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपकी सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई और आईपीएल 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके आईडी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना सपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से बनाते रहिए, ताकि जो टारगेट है इस वीडियो का वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो अब दोस्तों, बढ़ते आगे अपने वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात करना चाहते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको क्रिकेट एनालिसिस करना बहुत पसंद है, तो क्यों ना इस चीज़ का फायदा उठाया जाए और डाउनलोड किया जाए माई इलेवन सर्कल ऐप। दोस्तों, इस ऐप की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको दिग्गजों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। आपको सिंपली पिकअप करने हैं अपने प्लेइंग इलेवन, और अगर आप बीट कर देते हैं वीवीएस लक्ष्मण की टीम को, तो आपको मिलेगा 5 गुना ज़्यादा कैश कमाने का मौका। यही नहीं दोस्तों, आप इस ऐप से करोड़ों कमा सकते हैं। और दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड करने से आपको मिलेगा 1500 रुपये वेलकम बोनस। और यही नहीं, अगर आप हमारे दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो दोस्तों, देख क्या रहे हैं इस इंडिया इंग्लैंड सीरीज में, जल्दी से डाउनलोड कीजिए माई इलेवन सर्कल ऐप और ढेर सारे पैसे जीतते रहिए। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। तो अब दोस्तों, अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के ट्रेनिंग कैंप को लेकर, अब भी अटके लगाई जा रही है कि उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है उसकी शुरुआत कब होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर बात करें तो सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं वो जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं, और उनका जो क्वारंटाइन प्रोसेस है वो लगभग से लगभग चालू हो गया है। और हर खिलाड़ियों को, जैसे कि बीसीसीआई ने सख्त नियम रखा है, इस बार सारे खिलाड़ियों को जो है 7 दिन का कम से कम क्वारंटाइन पीरियड फॉलो करना पड़ेगा, और उसके अंदर उनके 3 कोविड टेस्ट होने हैं, जिसके बाद जो है खिलाड़ियों को रिलीज़ किया जाएगा बाय बबल एनवायरमेंट में, और जहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं, और दोस्तों अगर बात करें तो आईपीएल 21 के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकते हैं। तो अब दोस्तों, अगर बात करें तो पंजाब के स्टार खिलाड़ी और धाकड़ ओपनर, अगर हम बात करें मयंक अग्रवाल, दोस्तों मयंक अग्रवाल जो कि मुंबई पहुंच गए हैं और पंजाब की टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छी और बढ़िया खबर निकल के सामने आ रही है कि अगर हम बात करें मयंक अग्रवाल की, तो उन्होंने 23 मार्च को ही जो है ज्वाइन कर लिया है पंजाब किंग्स की टीम को, और इस समय उनका क्वारंटाइन प्रोसेस चालू है, जिसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो वो रिलीज़ हो जाएंगे और पंजाब किंग्स का जो ट्रेनिंग कैंप है उसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे, और पंजाब के साथ जो है हमें ट्रेनिंग कैंप में खेलते हुए नज़र आएंगे मयंक अग्रवाल। और दोस्तों, अगर हम बात करें पंजाब के और सारे खिलाड़ी, अगर हम बात करें रवि बिश्नोई, जलज सक्सेना, उत्कर सिंह, सौरभ कुमार, हरप्रीत ब्रार, दीपक हुड्डा, प्रभसिमरन सिंह, दरअसल नलकंडे, शाहरुख खान, मुरुगन अश्विन, ये सब खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने जो है पंजाब के लिए ज्वाइन कर लिया है टीम को, और उनका जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पहले से ही चालू हो गया है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर बात करें तो पंजाब के हेड कोच अनिल कुंबले भी जो है मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, और आईपीएल 21 के लिए पंजाब की टीम को जल्द से जल्द जो है ज्वाइन करते हुए नज़र आएंगे, जिसके बाद जो है वो भी क्वारंटाइन पीरियड को फॉलो करेंगे, उसके बाद जो है ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करते हुए सारे खिलाड़ी नज़र आएंगे। तो अब दोस्तों, अगर बात करें जैसे कि इंडिया और इंग्लैंड का जो सीरीज है उसका समापन हमें 28 मार्च को देखने को मिलेगा, तो उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो 28 मार्च के बाद पंजाब की टीम के स्टार बल्लेबाज, अगर बात करें कप्तान केएल राहुल, वो भी ज्वाइन कर लेंगे पंजाब की टीम के ट्रेनिंग कैंप को, और पंजाब की जो सारी मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से दूर हो जाएंगी केएल राहुल के ज्वाइन होने के बाद। तो अब दोस्तों, अगर ऐसे हम बात करें तो पंजाब किंग्स का जो ट्रेनिंग कैंप है उसकी शुरुआत अगर हम बात करें मार्च के बाद, यानी कि अप्रैल 2 या 3 तारीख से हमें उनके ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। और दोस्तों, ऐसे कि में कि जो कि एक सर्कुलर निकल के आया है, अगर हम बात करें बीसीसीआई की तरफ से, जो खिलाड़ी जो है इंडिया और इंग्लैंड सीरीज में खेल रहे हैं उनके लिए उतना क्वारंटाइन प्रोसेस फॉलो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्वारंटाइन प्रोसेस फॉलो कर लिया है और उनका जो कोविड टेस्ट है वो ऑलरेडी हो गया है। तो ऐसे में केएल राहुल जो है पहले ही दिन से ज्वाइन
ज्वाइन करते हुए नज़र आ सकते हैं किंग्स इलेवन पंजाब का ट्रेनिंग कैंप। और अगर हम बात करें तो मोहम्मद शमी के बारे में अभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आ रही है कि वो कब ज्वाइन करना चाहेंगे ट्रेनिंग कैंप को, क्योंकि अभी फिलहाल वो इंजरी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें पंजाब किंग्स जो है मोहम्मद शमी को लेकर के अभी भी चिंतित रहेगी, और देखना दिलचस्प है कि मोहम्मद शमी के बारे में क्या खबर निकल के आता है पंजाब किंग्स की टीम के लिए। तो अब दोस्तों आपका क्या कहना है पंजाब किंग्स के बारे में कि इनके ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत कब होने वाली है, और अगर हम बात करें तो इनके सारे जो खिलाड़ी हैं काफ़ी अच्छे से अपने बायो बबल एनवायरनमेंट में अपना समय पूरी अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में, और केएल राहुल जो है कब ज्वाइन कर सकते हैं पंजाब किंग्स के ट्रेनिंग कैंप को, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।